दिल्ली भारत की राजधानी और दिल्ली को कहा जाता है कि दिल वालों का शहर, यानी कि यहाँ बहुत बड़े दिल के रहते हैं क्योंकि उन्हें सब कुछ भीड़ भाड़ से जूझना होता है, मौसम से जूझना होता है। जैसे ठंड भी कड़कती हुई ठंड पड़ती है, बरसात होती है तो बहुत अच्छे से बरसात होती है, और यहाँ पर गर्मियों का तो बहुत ही बुरा हाल है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है जिसमें बच्चे बाहर नहीं निकल सकते और अभिभावक भी मजबूर हो जाते हैं कि उन्हें कहाँ ले जाया जाए घूमने के लिए। तो ऐसे में आप देखेंगे दिल्ली को रात में, तो रात में इतनी सुंदर दिल्ली दिखाई देती है, आपका यह नज़ारा आपको वो देखने को मिल ही रहा है। जैसे कि ये चांदनी चौक रात में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है, और यहाँ राष्ट्रपति भवन जो कि बहुत सुंदर होता है, राष्ट्रपति भवन में आप अपने पिकनिक के लिए भी जा सकते हैं, वहाँ पे आप अपना डिनर बना के ले जाइए और वहाँ के बाहर के पार्कों में अच्छे से नीचे बैठ करके चटाई लगा करके डिनर कीजिए, अपना पकाया हुआ पिकनिक हो जाता है और बच्चों के लिए घूमने की जगह भी हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है। वहीं पर है इंडिया गेट बहुत सुंदर है बच्चों के लिए, वहाँ खिलौने वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं, बहुत ही इन्जॉय होता है बच्चों के लिए। और राष्ट्रपति भवन के बाहर से आप देख सकते हैं, आपको यहाँ आप वॉक भी कर सकते हैं और बच्चे खेल भी सकते हैं, जैसे बॉल खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं। फिर आता है सीपी कनॉट प्लेस, जो कि आपको महसूस करवाएगा कि आप दिल्ली की भागती दौड़ती ज़िंदगी से अलग हो, और दिन में यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ के कॉरिडोर में घूमें बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन रात में आप जाएंगे तो आपको दुगना आनंद मिलेगा। तो आप सीपी के कॉरिडोर में घूमिए, बहुत ही सुंदर लगता है, और वहाँ पे बेंचेस भी होते हैं बैठने के लिए, वहाँ पे बैठें, अच्छी सी हवा खाएं, आइसक्रीम खाएं, बहुत ही मज़े आते हैं। हम लोग तो दिन से ज़्यादा अच्छा हमें रात में अच्छा लगता है कनॉट प्लेस। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने दुकानों में घुस करके जाना है देखना है, सीपी का एक अपना आनंद है, आप सामान कहीं से भी लीजिए लेकिन सीपी आप शाम को घूमने अवश्य जाएं, बहुत ही सुंदर लगता है, ऐसा लगेगा आपको कि आप जैसे आउट ऑफ कंट्री में हैं। तो ये सीपी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से जाया जाता है, और यहाँ आप मेट्रो से भी आ सकते हैं, राजीव चौक में उतर जाइए, वहाँ से आप आराम से ऊपर आ जाएंगे और आपको सीपी घूमने को मिलेगा। और यहाँ चांदनी चौक में जामा मस्जिद है देखने लायक, बाहर से भी बहुत सुंदर लगता है, और चांदनी चौक में मुगलई खाने का आप आनंद ले सकते हैं, इंडियन फूड का भी बहुत अच्छे से आनंद ले सकते हैं। तो चांदनी चौक आप एक बार ज़रूर से को विजिट कीजिएगा, और बहुत भरी सी जो चांदनी चौक दिन में होती है, सुबह होती है भीड़ भड़ाका, वही चांदनी चौक आपको रात में अच्छे से देखने को मिलेगी। तो चांदनी चौक भी अवश्य जाइए, जो भी टूरिस्ट हैं तो वो ज़रूर से रात में ज़रूर से जाएं। और यह है दिल्ली दर्शन पार्क जो पंजाबी बाग में है, इसका मैंने वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था दिन वाला, और रात में जाएंगे इसमें क्योंकि दिन में बहुत धूप है, आजकल गर्मी है, तो आप रात को जाइए, बहुत दुगना आपको अच्छा आएगा, मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। तो ये आप यहाँ भी जा सकते हैं, और रंग बिरंगी ये बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं जो आयरन से बनी हुई हैं, वेस्ट मटेरियल से बनी हुई हैं। तो ये है भारत दर्शन, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं और पूरे भारत के दर्शन आपको हो जाएंगे। और ये गुरुद्वारा तो आप सभी जानते होंगे, बंगला साहिब, तो आप जैसे इधर उधर से घूम करके जाएं और बंगला साहिब में जाएं तो आप लंगर का खाना खाएं, बहुत ही स्वादिष्ट और मन को बहुत शांति मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और यह है सुखदेव परांठे वाले, ये कहाँ पे, अगर आप नाइट में घूमने का शौक़ रखते हैं तो ये है मुरथल में, दिल्ली से करीबन 40-50 किलोमीटर की दूरी में है, और रात को लोग लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं और यहाँ परांठे खाते हैं। और अब आ जाता है मेरी फेवरेट जगह मंडी हाउस, जहाँ आपको
कई थिएटर्स देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ नाटक लगे हुए होते हैं, तो आप इनका आनंद ज़रूर से लें। शाम को यहाँ नाटक 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक दिखाए जाते हैं और बहुत ही कम रेट होता है, बहुत ही मज़े आते हैं। आप लोग भी मेरी तरह पिक्चर देखना भूल जाएंगे, एक बार आप थिएटर अवश्य जाएँ और फिर वहीं से आप सीपी भी आ सकते हैं अपना डिनर करने के लिए। तो उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप लोगों को पहले की तरह बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। आप सबका बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।